व्यू देखो काफ़ी शानदार है। तो ये है अंतिम रोड यहाँ पर जहाँ तक गाड़ी आती है। भाई गाय से मेरे पीछे आ रही है मैंने लाल पहना तो मेरे पीछे आ रही है ये पता है वो है ये बरसातों में। ओ भाई नीचे देख के चलना पड़ेगा। ये हम चल रहे हैं और ये नीचे गया गाइस तिमिल भी अच्छी आ रही इसमें भी मौन है। अरे मधुमक्खियां हैं काटेंगी भागो। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग देख ही रहे हैं हम लोग तैयार हो रखे हैं। पूरी फैमिली है पीछे भी मम्मी रिशु और पापा भी बाहर को गए हैं। तो ये बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं आज। गाइस हम लोग हैं हल्द्वानी में और होम टाउन आए हैं। तो हमारे पहाड़ में कुछ पूजा पाठ है। हमारा जो इष्ट देव के हमारे मंदिर है वहाँ पर हम लोगों ने जाना है आज। तो वो जो है नौकुचियाताल वाले रास्ते में पड़ता है। भीमताल से आगे भीमताल भी जाना पड़ता है उसके लिए और नौकुचियाताल वाले रास्ते में आपको वहाँ से जाना पड़ता है। तो हमारे इष्ट देव जो हैं उनके वहाँ हमको जाना है और वहाँ जाके हमने को ना पूजा पाठ करनी है क्योंकि शादी के बाद हम लोग गए नहीं थे तो वहाँ जाना भी जरूरी होता है पूरी फैमिली के साथ। तो आज हम लोग इसीलिए सुहैल फैमिली पूरी जा रही है गंगनाथ जी के दर्शन करने और वहाँ पूजा पाठ करने। तो अब वो हालांकि बहुत अच्छी जगह है, पैदल भी काफ़ी चढ़ाई, लगभग एक दो घंटे का ट्रैक है वहाँ पर। मतलब अलग से गाड़ी तो आधे रास्ते तक जाती है उसके बाद फिर पैदल ही जाना पड़ता है। तो दिखाते हैं हम आपको आज चलते चलते कितना अच्छी जगह है, कितनी अच्छी जगह हमारा इष्ट देव का स्थान है जहाँ पर वो हैं। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं। पहुँचे हैं भीमताल और भीमताल का व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। और अभी बज रखे हैं 9 सुबह के और सुबह सुबह बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। व्यू देखो काफ़ी शानदार है। ये है देखो यहाँ से पैराग्लाइडिंग पॉइंट के लिए यहाँ से जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं आधे रास्ते में। आधा रास्ता ये कटा है भीमताल से। भीमताल से एक जाता है नकुचियाताल की तरफ और एक जाता है जंगलिया गांव की तरफ। तो जो जंगलिया गांव है यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी मैं रास्ते पे रुकी थी जहाँ से काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू दिख रहा है नकुचियाताल का। आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट बैक कैमरा मैं ऑन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रखा है। तो गाइस नकुचियाताल यहाँ से आपको साफ दिखेगी। ऊपर अभी हम काफ़ी थोड़ा हाइट में हैं तो यहाँ से आपको दिखाने के लिए मैं उतरी हूँ। ये आपकी नकुचियाताल नौ कोने वाली ताल जिसे बोला जाता है। पहले पे अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे चलते हैं। अब आपको आगे गांव दिखाते हैं। आज मैं भी एक्चुअली पहली बार जा रही हूँ तो देखते हैं। चलो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं जंगलिया गाँव और यहाँ से हम छोटा कैलाश के लिए जाते हैं जिसे आदि श्री कैलाश धाम भी कहा जाता है। यहाँ से गाड़ी का रास्ता भी है थोड़ी दूर तक, उसके बाद फिर पैदल है। तो अभी हम यहाँ से आगे निकलते हैं जंगलिया गांव, फिर उसके आपने बुढ़ा धुरा जाना है आगे, फिर वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग पैदल जाएंगे वहाँ से। लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जो जगह है बूढ़ा धूरा करके जगह है, आई थिंक बुढ़े लोगों का धूरा है। धूरा मतलब जो एक्चुअल में वर्ड जो होता है धूरा बहुत ऊपर हाइट में होता है उसे धूरा बोला जाता है पहाड़ी में। तो ये जो जगह नाम है बूढ़ा धूरा जंगलिया गांव से ये केवल 2 किलोमीटर है और जो रास्ता है केवल कच्चा है रास्ता और काफ़ी पतली सड़क है। यहाँ लोग अभी कमी लोग रहते हैं
और टूरिस्ट लोगों को अभी आइडिया नहीं है यहाँ का कि क्योंकि कच्ची सड़क है उस वजह से ये यहाँ का उतना अभी डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, गांव वाले ही हैं केवल यहाँ पर। तो देखिए अभी ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है और अब यहाँ से पैदल का रास्ता है। तो चलिए अब ट्रैकिंग करते हैं यहाँ से और रास्ते में कुछ धारे वगैरह मिलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये है अंतिम रोड यहाँ पर जहाँ तक गाड़ी आती है और यहाँ अब हम लोग जूते पहन के रेडी हो चुके हैं क्योंकि थोड़ा नीचे उतरना है, थोड़ा क्या मतलब एक घंटा यहाँ से लगेगा हम लोगों को। अब पापा ने चाय बोल रखी है, चाय पी के निकलते हैं। सुबह से कुछ खाया तो नहीं है क्योंकि पूजा करनी है। भाई गाय मेरे पीछे आ रही है मैंने लाल पहना तो मेरे पीछे आ रही है मारने सिंह बड़े हैं उनके, जाने दो। बिच्छू घास खा रही है भाई, इनको मुंह में नहीं लगता होगा। यहाँ से ऊपर गांव है देख सकते हो आप, और जो हमें जाना है यहाँ से नीचे जाना है। चलो चाय पीते हैं पहले। तो ये देखो हम लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं देखो कैसे बनी हुई। एक तो पहाड़ों की धूप बहुत दायक बन लगती है, पता चला काले ना हो जाए। और पीछे एक और है हमारे साथ आतंकवादी, ये है विवेक सुयाल आतंकवादी जो हल्द्वानी में पाया जाता है। और ये आगे चल पड़े हैं मम्मी और पतिदेव हमारे, पापा तो फुर हो चुके हैं आगे की तरफ। रास्ता देखो एकदम खतरनाक है और यहाँ से जो टाइम लगता है हमें पहुँचने में लगेगा 1 से 1.5 घंटा। डिस्टेंस वाइज अभी आइडिया नहीं है मेरे को और इनको भी आइडिया नहीं है, तो 1.5 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे जहाँ एक्चुअली हमें पहुँचना है। यहाँ से तो आई थिंक रोड ठीक ही दिख रही है, नीचे थोड़ी और ख़राब हो मिल सकती है हमें रोड। कहीं कहीं पर ठीक है, कहीं कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है तो थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो सकती है हम लोगों को। क्या मिला है? थीटा 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 चीड़ का थीटा। ये पता है वहाँ फॉरेन कंट्रीज में ना बहुत कॉस्टली बिकते हैं ये, और ये आई थिंक 100 पीस के लिए भी रखते होंगे ना कलर। हाँ 100 पीस के लिए इसको कलर वलर करके सब रखते हैं। है। रोड बड़ी खतरनाक है यार, बहुत पहले आया था मैं तो यहाँ पर, नहीं अभी तो बहुत तगड़ा रास्ता है ये वाला। तो अभी इसके आगे तो पतली छोटी सी पगडंडी टाइप की आगे है, यहाँ पर अभी नौला आने वाला है आगे। ठंडी हवा बहुत ठंडी चल रही है यार, मस्त एकदम चीड़ की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ मज़ा आ गया। तोड़ टूट गया है यार, ये बहुत पुराना नौला था यार। जीर्णोद्धार तो किया है इसका 2021 में, 2021 के जीर्णोद्धार के बाद भी है यार पानी। आ रहा है पानी? हाँ हाँ पानी आ रहा है, देखो ठंडा मीठा पानी, इसको भरते हैं। भरो भरो भरो, यहीं पे खड़े रहो। अब तो बढ़िया तगड़ा रास्ता शुरू हो रहा है, पत्थर एकदम ऐसे, ये वाले पत्थर हैं ऐसे वाले। संकरा रास्ता, संकरी पगडंडी, ऊपर से मलबा आया हुआ है ये बरसातों में। ओ भाई नीचे देख के चलना पड़ेगा, इसमें पांव उड़ रहे हैं। आराम से आना, आ जाओ भाई, ये मुंह पे ही बांधते रहोगे नहीं लगेगी धूप भाई, नहीं होगे काले। चलो खतरनाक सीन हो रहा है यार यहाँ तो बहुत समय पहले तो ठीक था थोड़ा रास्ता, ये अभी बरसातों में मलबा आया है तो उस चक्कर में थोड़ा खराब हो गया ये। रास्ते
यार मज़ा तो बहुत आ रहा है। करीब 7 साल बाद आ रहा हूँ मैं। लास्ट आई थिंक 2016 या 2015 में आया था जब मेरा कॉलेज वगैरह ख़त्म हुआ था, उसके बाद से आज ही आ रहा हूँ। पापा तो आते रहते हैं। पापा क्या हो, इस मंदिर के जो हमारे जो बिरादरी में हमारे मुख्य पुजारी हैं इस मंदिर के, तो इसलिए पापा को आना पड़ता है। हरेले में आते हैं और दिवाली में चूड़ा पूजने आते हैं। और हवा बड़ी ठंडी चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के, पुराने दिन याद आ गए। पापा यहाँ से पूरा मलबा नीचे आ गया है और ये रोड हो चुकी है ख़त्म। यहाँ से हमें ऐसे ही जाना है बस। जान घुटने हथेली में लेके, जान तो फिर भी ठीक है। चलो भाई ओ भाई पत्थर कैसे गिर, ये हम चल रहे हैं और ये नीचे गया सीधा खाई है नीचे। ये देखो इतने डेंजरस रास्ते में ट्रैकिंग तो कभी करी नहीं यार हमने। यहाँ के गांव वाले, हमारे जो गांव वाले हैं कैसे रहते होंगे यहाँ पर, खाने का सामान पीने का कैसे आता होगा, खच्चर लेके आते हैं यहाँ पर खच्चर। भाई पहाड़ में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत दिन हो गए थे यार, मतलब अगर घर नहीं आऊँ मैं, हल्द्वानी नहीं आऊँ और पहाड़ नहीं आऊँ तो ऐसा लगता है, अगर एक महीना भी नहीं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। बहुत अंदर से वो होती है बेचैनी सी। तो पहाड़ में आके जो सुकून मिलता है ना इतना, अभी यहाँ पर चिड़िया की आवाज़ आ रही है एकदम, देखो साफ नीला आसमान दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, मतलब बहुत मज़ा आता है यार यहाँ पर आके। हमारा गांव भी है तो दूर है, बट यहाँ के देखो खेत इतनी उजाड़ सड़क हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे जो खेत हैं अभी सही सलामत हैं। और ये देखो ऐसी जगहों से जाना पड़ता है, कभी भी नीचे आ जाता है, ये पूरा नीचे आ गया है बरसात में। आराम से चलना है यार। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे 1.5 घंटा लग जाता है लगभग, बट आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रोड थोड़ा सही नहीं है। थोड़ा क्या मतलब, सही नहीं है रोड तो ख़राब ही है। आधे रास्ते पहुँचा है गाइज हम, और अभी जो रास्ता है पगडंडी वो इतनी सी रह गई है, और यह हम खेतों से जा रहे हैं। अब खेतों से याद आया, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो नीचे हल्की सी टीन दिख रही है जो खेत में डाली है, यहाँ पर कभी हमारे खेत हुआ करते थे। इन्हीं में से 2-3 खेत हमारे थे जब हमारे दादाजी और परदादाजी यहाँ रहते थे, लेकिन उसके बाद सब यहाँ से चले गए। कुछ था नहीं, काफ़ी समय पहले की बात है, 1960, 1950, 1940। तो उसके बाद जब वो यहाँ से पलायन कर गए नीचे की तरफ, भीमताल की तरफ, चांफी की तरफ, तो फिर उसके बाद ये ज़मीन जो यहाँ रह गए गांव वाले, उन लोगों ने इस ज़मीन को एक्वायर कर लिया। ये है गाइस तिमिल, तिमिल का फल है, इसकी सब्जी भी बनती है। जहाँ पर हमारी गाड़ी जहाँ तक गई थी वहाँ माल्टे के पेड़ भी थे, वहाँ माल्टे भी होते हैं सीजन में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ना
प्राइमरी स्कूल दिख रहा है, बच्चे यहाँ आते पढ़ने, देव का धुरा नाम है इस जगह का, तो ये स्कूल है यहाँ पर पढ़ने आते बच्चे। तो आप समझ लो वहाँ जहाँ से नीचे ट्रैकिंग स्टार्ट की वहाँ से बच्चे इधर आते पढ़ने के लिए, और आई थिंक नीचे भी गांव है, वहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ आते बच्चे। तो सेकेंडरी वाला जंगलिया गांव ही है, सेकेंडरी वाला जो ट्वेल्थ वाला स्कूल है वो जंगलिया गाँव है। तो यहाँ से जो बच्चे हैं, यहाँ जो बच्चे मतलब गांव है, गांव के बच्चे हैं, वो जाते हैं जंगलिया गांव वहाँ पढ़ने के लिए। एक खास बात है इस गांव की, एक खास बात यह है कि जब भी यहाँ बारिश होनी होती है पूरे पहाड़ों में हमारे, सबसे पहले बादल यहीं लगते हैं और यहीं सबसे पहले बारिश होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देव का धुरा, एक्सप्लेन करो देव का धुरा को। देव मतलब बारिश। हाँ, बारिश इसलिए यहाँ होती है कि इस गांव का नाम भी वही है ना, इस गांव का नाम है देव का धुरा। देव को मतलब हमारे उसमें कहते हैं पहाड़ों की लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में बारिश को कहते हैं देव, तो वो देव का धुरा इसलिए बोलते हैं। यहाँ जो पेड़ है तेज पत्ते का, खुशबू काफी अच्छी आ रही इसमें, इसमें भी मौन है। अरे मधुमक्खियां हैं, काटेंगी, भागो तुझे सबसे पहले काटेंगी आतंकवादी। और ये गांव बसे हुए हैं लोगों के घर, ये लहसुन है, ये प्याज है, ये किसका है, लहसुन है, लहसुन बो रखा है इन्होंने। सुंदर है जगह, काफी शांत है एकदम। और रुको, एक चीज दिखाती हूँ आपको, जो है ये है, ये है पोस्टकार्ड बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में। बेसिकली ये गोबर इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके खेतों में डाला जाता है, एज अ खाद यूज़ किया जाता है खेतों में जाके, ताकि फसल अच्छी खासी हो। गाइस, अब लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं, लगभग 75% हमने 75-80% हमने क्रॉस कर लिया रास्ता, और अब मेन उतराई जो है वो अब आई है, यहाँ से खड़ी उतराई है। और जब हम वापस आएंगे तो हमें बहुत चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा, और हमें लगभग 1 घंटा 5-10 मिनट हो चुके हैं अभी, आप मानिए आधा घंटा और लगेगा हमें नीचे जाने में, फिर वापसी में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 1.5 घंटा लगभग जाने का, 2-2.5 घंटा आने का। ये देखिए गाइस, ऐसे हम जा रहे हैं यहाँ से, गाइस हम लोग अब बस पहुँच ही गए हैं यहाँ पर, मंदिर थोड़ा सा नीचे और है अभी, पहले हम जाएंगे गोपाल जी हैं यहाँ, उनके वहाँ हमारे जो पड़ोसी थे बहुत पुराने, जो अभी भी यहाँ रहते हैं, उनका घर है, पहले उनके घर जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम पूजा करेंगे, आपको मंदिर भी दिखाएंगे। थोड़ा सा लंबा ये ब्लॉग हो रहा है, इसलिए हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और उसमें आपको पूरा एक गाँव और हमारी पूजा और हमारा मंदिर वो सब दिखाया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।